हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुमू रैपिड रीडर्स। फ्रेंड्स, आज हम इमोजीज से फूड का नाम गेस करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, ये पहला वाला फूड का नाम गेस करके बताइए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, पहले वाले में कॉटन रखा है और दूसरा वाला कैंडी है, तो मिला देने पे क्या बन जाएगी? कॉटन कैंडी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले वाले इमोजी की तरफ और देखते हैं कि वह कौन सा फूड है। तो फ्रेंड्स, अब ये वाला भी फटाफट गेस करके बता दो कि यह कौन सा फूड है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, एक तरफ स्प्रिंग रखी है और दूसरी तरफ पेपर रोल, तो मिला देने पे क्या बन जाएगा? स्प्रिंग रोल। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इमोजी की तरफ और देखते हैं कि वह कौन सा फूड है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये थर्ड वाला इमोजी गेस करके बता दीजिए कि यह कौन सा फूड है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, एक तरफ सैंड और दूसरी तरफ चुड़ैल यानी कि विज, तो मिला देने पे बन जाएगा मजेदार सा सैंडविच। अगर आपका भी जवाब सही था तो फटाफट से वीडियो में कमेंट करके बता दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, अब ये फोर्थ वाला भी बता दो। ये तो बहुत ईजी है, तो फटाफट से बता दो कि यह कौन सा फूड है। तो फ्रेंड्स, ये है गरम यानी हॉट और ये है डॉग, तो बन जाएगा हॉट डॉग। था ना बहुत इजी? तो फटाफट से ये फिफ्थ वाला इमोजी भी मुझे गेस करके बता दो। फ्रेंड्स, अब ये फिफ्थ वाला इमोजी भी गेस करके बता दो। चलिए फ्रेंड्स, मुझे पता है आपने इसे भी गेस कर ही लिया होगा। जैसा कि देख रहे हो, एक तरफ पेस्ट और एक तरफ ट्री, तो क्या बन जाएगा? पेस्ट्री। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले इमोजी की तरफ, देखते हैं आप इसे भी गेस कर पाते हो या नहीं। फ्रेंड्स, अब ये सिक्स्थ वाला भी फूड गेस करके बता दो। वैसे तो ये एक ड्रिंक है, तो मुझे फटाफट से कमेंट में बता दो कि ये कौन सा फूड है। तो ये वाला तो बहुत इजी था। ये है शू और ये है पी, तो क्या बन जाएगा? सूप। और फ्रेंड्स, अगर आपका भी जवाब सही था तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले इमोजी की तरफ। फ्रेंड्स, अब ये वाला भी मुझे फटाफट से गेस करके बता दो कि ये कौन सा फूड है। और ये तो बहुत ही ईजी है, मुझे पता है आप लोग इसको भी फटाफट से गेस करके बता ही दोगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, यह है डू और यह है एक नट, तो क्या बन जाएगा? डोनट। था ना बहुत इजी? और आपने कमेंट कर ही दिया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले इमोजी की तरफ। फ्रेंड्स, अब ये वाला भी ध्यान से देखो और मुझे कमेंट में बता दो कि यह कौन सा फूड है। और ये तो मोस्टली सबका फेवरेट होता है, तो फटाफट से बता दो। तो फ्रेंड्स, ये है पानी और ये है पूरी, तो क्या बन जाएगा? पानी पूरी। है ना सबकी फेवरेट? तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले की इमोजी की तरफ और देखते हैं आप इसे भी गेस कर पाते हो या नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये वाला भी गेस करके बता ही दो। और मुझे पता है आप तो देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कौन सा फूड है, तो फटाफट से कमेंट में बता दो इस फूड का नाम। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इजी था, आप तो देखते ही समझ गए होंगे। ये है गुलाब और ये है जामुन, तो क्या बन जाएगा? गुलाब जामुन। था ना बहुत इजी?
चलिए फ्रेंड्स, अब ये आखिरी वाला भी मुझे गैस करके बता दो कि ये कौन सा फूड है। तो फ्रेंड्स, ये है पेन और ये है केक, तो क्या बन जाएगा? पेन केक था ना, बहुत इजी। तो फ्रेंड्स, मजा आया ना इसे सॉल्व करके? तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।